Some instructions to be followed while watching the video lectures. First, students are supposed to see the videos 2 to 3 times with the help of their textbooks or any reference materials. Second, students need to copy down the important points in paper. Third, a student should use earphones or headphones if available for sound clarity. Fourth, student should note down all the queries which will be solved during the class sessions. Students, अब तक हमने इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नाउ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? द नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज can be easily studied from its graphical representation. Now, in this representation, the time is plotted along x-axis, while the distance or displacement or velocity is plotted along y-axis. Now, what are the benefits or uses of graph? First, from graph, बल्कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द पोजीशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी डिटरमाइंड। मतलब हम कोई भी टाइम पर ये पता कर सकते हैं कि बॉडी का पोजीशन क्या है। ओके, फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द ग्राफ। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि बॉडी कहां पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता करना है कि बॉडी 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कहां पर है, सो हम लोग ग्राफ से इजीली देख सकते हैं। थर्ड, बाय लुकिंग एट द ग्राफ वन कैन टेल वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस आता है, तो हम लोग उस चीज से जज कर सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। फोर्थ, नाउ ग्राफ्स आर वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द मोशंस ऑफ 2 मूविंग बॉडीज। मतलब हम 2 या 2 से ज्यादा मूविंग बॉडीज के बीच के मोशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हमारे इस लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नाउ जैसे हम जानते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो इट विल नॉट ट्रैवल एनी डिस्टेंस। तो हम ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर्स रिमेन्स फिक्स्ड एट 100 किलोमीटर। ओके, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 1 घंटे में भी वो वहीं है, 2 घंटे बाद भी वहीं है और 3 घंटे बाद भी वहीं है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज केप्ट फिक्स्ड। तो इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी एज फॉलोज। तो हम देख सकते हैं पहले आर में भी वो 100 किलोमीटर पे ही था, सेकंड में भी वो 100 पे ही है, थर्ड में भी वो 100 पे है और फोर्थ पे भी वो 100 पे ही रहेगा, ठीक है। तो हम ये अभी सबसे पहले देख रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट।
Now, let us see the distance time graph for uniform speed. Suppose an object travels at uniform speed of 50 km per hour. It means that, जैसे अभी आप टेबल में देख सकते हैं, 0th आर के लिए डिस्टेंस था 0, 1st आर के लिए 50 किलोमीटर, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आर। तो नेक्स्ट आर यानी 2 घंटे बाद वो 100 किलोमीटर कवर कर चुका रहेगा, 3rd आर में 150 किलोमीटर और 4th आर में वो 200 किलोमीटर कवर कर चुका रहेगा। तो ये था टाइम और डिस्टेंस का टेबल। तो चलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम ग्राफ देख सकते हैं, सो वैल्यू के अनुसार आप देख सकते हैं, हमने जब 1 आर के लिए 50, 2 आर के लिए 100, 3rd आर के लिए 150 और 4th आर के लिए जब 200 लिया, सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो अभी हम देख रहे हैं, तो हम ऐसे ग्राफ को कहते हैं इट इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। सो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट आर, नेक्स्ट 50 किलोमीटर पर आर इन द सेकेंड आर, देन 80 किलोमीटर पर आर इन द थर्ड आर, देन 50 किलोमीटर इन द फोर्थ आर। सो यू कैन सी द टेबल ओवर देयर। 0th आर में 0 डिस्टेंस, 1st आर में 20 किलोमीटर, 2nd आर में 70 किलोमीटर, 3rd आर में 150 किलोमीटर और 4th आर में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। सो अब हम यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 के लिए 0 था, 1 के लिए इट वॉज 20, 2nd आर के लिए इट वॉज 70, 3rd आर के लिए इट वॉज 150 और 4th आर के लिए था 200। तो यहाँ पर सब अनइक्वल चल रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं ग्राफ एक कर्व बना है। तो जब भी कर्व ग्राफ बनता है, सो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम में हमें जो मिलता है दैट इज स्पीड, ओके। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हमें कर्व मिलता है तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो अभी हमने यहाँ सीखा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो चलिए एक बार अब पूरे सीक्वेंस में हम सारे ग्राफ्स को देखते हैं वन बाय वन। सो हम सबसे पहले देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी हमने ये भी प्लॉट किया है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट होता है स्ट्रेट लाइन बनती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो देन इट इज अ यूनिफॉर्म ग्राफ। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्लॉट किया है, जब भी ग्राफ कर्व बनेगा तो दैट ग्राफ विल बी नॉन यूनिफॉर्म। सो ये ग्राफ था डिस्टेंस टाइम और कर्व है, तो हमें अंदर में कर्व में स्पीड मिलेगा, तो दिस विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस वाले ग्राफ में हमें यहां मिलेगा वेलोसिटी। तो सबसे पहला ग्राफ हम देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम चल रहा है ओके
बॉडी इज नॉट कवरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं द बॉडी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट ग्राफ हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां हम देख सकते हैं लाइन OA जो है दैट इज इंक्लाइंड, ठीक है, एंड इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहां हम देख सक रहे हैं कि ए और बी जो है, लाइन ए बी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म होगा, पर क्योंकि ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है इसलिए हम इसे नेगेटिव वेलोसिटी कहेंगे। तो ये ग्राफ रहेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, ये रहेगा यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, हम देख सकते हैं यहां पर ग्राफ OA जो है दैट इज कर्व। ओके, तो जब भी ग्राफ कर्व रहेगा दैट ग्राफ विल बी नॉन यूनिफॉर्म। सो ये ग्राफ हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ये ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ है, सो नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाए तो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट ग्राफ हम देख सकते हैं, इट इज अ मिक्स्ड ग्राफ। जैसे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं ओ से ए स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जा रही है, तो ओ से ए इट इज यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। ए से बी आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसीलिए ये बन जाएगा जीरो वेलोसिटी, मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट एट दैट टाइम। सो ए से बी तक के बॉडी अपनी रेस्ट पर है, सो इट इज हैविंग जीरो वेलोसिटी। और अब देखते हैं बी से सी, तो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम यहां देख सकते हैं कर्व दिया है, तो कर्व ओ से ए ऊपर जा रहा है। ओके, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। ए से बी कर्व नीचे आ रहा है तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। ओके, तो ये थे सारे ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के। नाउ अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ हम देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहां पर लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वंस अगेन अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो लाइन ए बी जो होगी दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो यहां पर बॉडी को हम जी एट रेस्ट नहीं बोल सकते, यहां हम ये बोल सकते हैं द बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब देर इज नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो हम ये सबसे पहला ग्राफ देख रहे हैं व्हेन द बॉडी इज हैविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। अब हम देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहां पे आप देख सकते हैं लाइन ओ ए, ओके, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन और ऊपर की ओर जा रही है। सो हम यहां बोल सकते हैं द बॉडी हैज यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट इट इज हैविंग जीरो वेलोसिटी, क्योंकि अपनी बॉडी जीरो से स्टार्ट हो रही है इसलिए इट इज हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये था हमारा सेकेंड ग्राफ। सो अब हम यहां देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर हम देख सकते हैं लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है और नीचे की ओर आ रही है, सो हम बोल सकते हैं द बॉडी इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ए जो है वो जीरो पे नहीं है, सो इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। बट क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है इसलिए इट विल बी नेगेटिव, सो इट विल बी यूनिफॉर्म
नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम इस ग्राफ को यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा ग्राफ। नेक्स्ट, अब हम देख सकते हैं हमारा फोर्थ ग्राफ। नाउ यहां पर हम देख सकते हैं हमारा जो लाइन ए बी है दैट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब द बॉडी इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, पर जो लाइन ए बी है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म तो होगा ही, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो हम इस ग्राफ के बारे में बोल सकते हैं द बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, नाउ अब हम यहां देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो यहां आप देख सकते हैं जो कर्व है OA, ओके, तो यहां पर बॉडी जीरो से स्टार्ट हो रही है बट इट इज अ कर्व, तो कर्व हुआ तो इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारा ये ग्राफ होगा द बॉडी हैज जीरो इनिशियल वेलोसिटी बट इट हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो चलिए हम अपना लास्ट ग्राफ देखते, इट इज अ मिक्स ग्राफ। तो यहां हम देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम का, तो लाइन ओ ए ऊपर की तरफ जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ग्राफ होगा ओ ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर हम देख सकते हैं लाइन ए बी जो है, ओके, वहां पर इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने कहा था ए बी जो है द बॉडी इज एट जीरो एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर हम देख सकते हैं लाइन जो है बी सी, तो बी सी स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म होगा बट नीचे आ रही है, इसलिए ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये थे हमारे सारे ग्राफ्स रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ अब हमें इस सेक्शन में कवर करना है तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये तीन कॉन्सेप्ट्स सिर्फ हमारे नाइन्थ के लिए ही नहीं, आगे चलकर क्लास 11, 12, JEE या नीट और फर्दर स्टडीज में बहुत काम का कंसेप्ट है। इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ध्यान से देखें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला कंसेप्ट है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity of the body। मतलब हम जब भी displacement versus time के graph का slope निकालेंगे तो हमें velocity मिलेगा। So हम एक graph देख पा रहे हैं जिसमें y axis में displacement होगा, x axis में time हमने plot किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी line स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ जा रही है, सो ये ग्राफ रहेगा यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी का। हमें इसी ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। हमारा जो ग्राफ है तो हमने वहां पर दो पॉइंट्स लिए हैं, ए एंड बी। पॉइंट ए को हमने एक्स एक्सिस से भी जोड़ा है और y एक्सिस से भी जोड़ा है। सिमिलरली पॉइंट b को भी हमने x एक्सिस से जोड़ा है और y एक्सिस से जोड़ा है। तो हम देख सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि नाउ द पॉइंट a हैज कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ s1 इन टाइम t1। मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट a के बारे में हम ये बोल सकते हैं पॉइंट ए हैज कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस वन इन टाइम टी वन। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए भी हम बोल सकते हैं
a body has covered a displacement s2 in time t2. तो अब हमें इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, हम देख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, तो y एक्सिस का हम लोग बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं ग्राफ में, हमारी बड़ी वैल्यू y एक्सिस में s2 है और छोटी वैल्यू s1 है, तो हम बड़ा माइनस छोटा करेंगे, दैट इज s2 माइनस s1। फिर डिनोमिनेटर में हम लोग x एक्सिस के फैक्टर्स को लेंगे, तो x एक्सिस के में सबसे बड़ी वैल्यू t2 है और छोटी वैल्यू t1 है, तो वहां हम t2 माइनस t1 करेंगे। तो हम देख सकते हैं अब हमारा इक्वेशन बन गया है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, s इज डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्प्लेसमेंट से माइनस किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, और टाइम को टाइम से माइनस किया तो टाइम ही मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो हमने प्रूफ कर दिया कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे कंसेप्ट पे, जो कि बिल्कुल इसके जैसा ही सेम है। ओनली द फैक्टर इज दैट अब y एक्सिस वाली जो क्वांटिटी जो पहले डिस्प्लेसमेंट थी अब वो वेलोसिटी हो गई है, और अंदर वाले ग्राफ का नाम चेंज हो गया है। तो चलो देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। शो दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो जब भी हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। सो हम फिर से ग्राफ देख सकते हैं, हमने लाइन में दो पॉइंट्स कवर किए हैं ए एंड बी। तो सिमिलरली हम लोग ने पॉइंट ए को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जोड़ दिया है, और उसी तरह पॉइंट बी को भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट ए के बारे में, द बॉडी हैज वेलोसिटीज यू इन टाइम टी वन, और बॉडी बी के बारे में बोल सकते हैं द बॉडी हैज वेलोसिटी वी इन टाइम टी टू। तो अब हम स्लोप निकालेंगे, बिल्कुल अभी हमने जो थोड़ी देर पहले निकाला, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू वाई एक्सिस की बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो वाई एक्सिस में बड़ी वैल्यू है वी और छोटी वैल्यू है यू, तो बन गया वी माइनस यू। और डिनोमिनेटर में हम लोग एक्स एक्सिस की वैल्यूज को का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब बड़ा वैल्यू टी टू छोटा वैल्यू टी वन, इसलिए बन गया टी टू माइनस टी वन। तो अब बहुत सिंपल हो गया, v माइनस यू दोनों ही वेलोसिटी है, नाउ v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, और v माइनस यू को अपन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। डिनोमिनेटर में टाइम माइनस टाइम इट विल बिकम टाइम ओनली। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए हमारा दूसरा कंसेप्ट भी प्रूफ हो गया। दूसरा कंसेप्ट था कि जब भी हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। वंस अगेन रिपीटिंग, हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कर रहे हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पर हमें फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है, पर इस बार हमें
इस ग्राफ का एरिया अंडर निकालना है। अभी हमने वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकाला है, अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहले कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है, अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर निकाला तो हमें मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम इंटरवल। चलिए देखते हैं। और हमें ये तीनों कंसेप्ट तभी बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो बच्चों प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम देख सकते हैं ग्राफ। ग्राफ में हम देख सकते हैं y एक्सिस में है वेलोसिटी, x एक्सिस में है टाइम। इस बार हमारा ग्राफ जो है दैट इज PQ, लाइन PQ। तो उस लाइन PQ में हमने लिए हैं दो पॉइंट्स, पॉइंट्स D एंड पॉइंट्स C। तो अब हम पॉइंट D को x एक्सिस से जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने पॉइंट D को x एक्सिस से जोड़ा तो हमें A मिल रहा है x एक्सिस पर, और C को जब हम x एक्सिस से जोड़ेंगे तो हमें x एक्सिस में मिलेगा पॉइंट D। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेशन मिलेगा ए बी सी डी नाम का। तो हम उसे हल्का सा शेड कर देंगे, मतलब हम पॉइंट डी और सी के नीचे के एरिया का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एरिया अंडर। ओके, तो हम देख सकते हैं यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी था, एक्स एक्सिस में टाइम है, और अभी हमें जस्ट वहां पर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्मेशन मिला है। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां हमारा एरिया हो गया ए डी इनटू ए बी, या फिर ओ पी इनटू ए बी, बात एक ही है। उस रेक्टेंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, जैसे हम ग्राफ में देख सकते हैं ए डी क्या है या ओ पी क्या है, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं ओ पी इज वी। ओके, तो हमने ए डी या ओ पी की जगह वी लिख दिया, और उसके बाद हमें ब्रेथ लेना था, तो दैट वॉज ए बी। तो ग्राफ में अगर ए बी देखे तो दैट इज टाइम, टाइम का डिफरेंस है वो, तो T2 माइनस T1। तो देखिए हमने AB के जगह T2 माइनस T1 लिख दिया। अब सब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में V इज वेलोसिटी, टाइम माइनस टाइम विल बी टाइम। सो अब हमें देखिए क्या मिल रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। सो हमने हमारा तीसरा कंसेप्ट भी प्रूव कर दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जब हम एरिया अंडर निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो फाइनली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर, एक बार इन तीनों कंसेप्ट के मैं स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में बोलना चाहता हूं। सबसे पहला कंसेप्ट, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। जब भी हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। और लास्ट, जब भी हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ्स डील करेंगे। ओके, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, अंटिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।